हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्समाइंड नॉलेज पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके जनरेशन दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। इसमें क्वेश्चन आपका इंक्लूड है, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री एवं बायो का क्वेश्चन इंक्लूड है। जो भी स्टूडेंट ITI का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, आपके जनरेशन में बिल्कुल टाइम नहीं है। ओके, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, चलिए हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वर्नियर कैलिपर्स की तम माप क्या होगी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.02 मिलीमीटर होता है। ओके, यानी वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतम माप होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा जा रहा है कि हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूरदृष्टि दोष होता है। हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। चलिए हम लोग बात कर रहे थे दूरदृष्टि दोष क्या होता है। यदि दूरदृष्टि दोष जो होता है वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की दृष्टि दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग को अपना सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। यानी कि स्प्रिंग जो होता है, आप लोग देखेंगे स्प्रिंग को हम लोग जो खींचते हैं उसको फिर छोड़ते हैं उसको, यानी कि उसका समान लंबाई को वापस लाने के लिए उस बल को क्या कहते हैं, ये पूछा गया आपसे। याद रखिए उस बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा ये आपका सिद्धांत पर जो आधारित है ये आपका अपकेंद्रक पर आधारित है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा, यही क्वेश्चन अब फिर आपका रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा जाए कि एक मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं, यानी एक मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यानी 6 × 10⁻⁷ माइक्रो सेकेंड होते हैं। एक मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, तो 6 × 10⁻⁷ माइक्रो सेकेंड होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा आपसे, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वो सिद्धांत है। यानी कि जिस सिद्धांत पर जो ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत काम करता है वो कौन से सिद्धांत पर करते हैं, ये पूछा आपसे। याद रखिए इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी ए यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर एक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। यानी गति का जो नियम को जो प्रतिपादन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा ये आपका न्यूटन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। यानी कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण, यानी किस कारण से आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए यानी कि अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ओके, यानी कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये आपका अपवर्तन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक, यानी पॉलीथीन जो है ये किस यौगिक का बहुलक है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी ये आपका मेथेन का बहुलक है। किसका है, तो मेथेन का बहुलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा आपसे, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे ऋण आवेश होता है, यानी ऋण आवेश किस पे होता है, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा ऋण आवेश किस पे होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि आपका बीटा कण पे होता है। किस पे होता है, तो बीटा कण पे होता है ऋण आवेश। ओके,
चलिए हम लोग देख लेते हैं बीटा कण पे क्या होता है, आपका ऋण आवेश होता है ओके, और अल्फा कण पे क्या होता है हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये अल्फा कण पर जो आपका होता है, या अल्फा कण पर आपका धनावेश होता है, क्या होता है अल्फा कण पे, बीटा कण पर क्या होता है ऋण आवेश होता है, और अल्फा कण पर क्या होता है आपका धनावेश होता है ओके, अल्फा कण पर धनावेश होता है और बीटा कण पर क्या होता है ऋण आवेश होता है ओके, और गामा किरण पर क्या होता है गामा किरण पर आपका ये गामा किरण क्या होता है आवेश रहित होता है, इस पर किसी भी आपका नहीं धनावेश होता है और नहीं ऋण आवेश, यानी कि ये आवेश रहित होता है गामा किरण ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा रहा आपसे, पूछा जा रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वन एस स्क्वायर टू एस स्क्वायर टू पी सिक्स थ्री एस स्क्वायर थ्री पी फाइव है, तो आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवर्त तीन और वर्ग सात ए के अंतर्गत आएगा ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि खाने के जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है आपसे। याद रखिएगा इसका रासायनिक सूत्र आपको होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NaHCO3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको NaHCO3 हो जाएगा ओके। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहते हैं ओके, इसे क्या कहते हैं खाने का सोडा भी कहते हैं, और इसे आपको क्या कहते हैं बेकिंग सोडा भी इसे कहा जाता है, इसे आपको क्या कहा जाता है इसे बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं आप ओके, और इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं ओके, और इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। तो याद रखिए इसका सूत्र क्या होता है आपको NaHCO3 होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, याद रखिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है सात होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है सात होता है, यानी कि सात होता है ओके, यानी जल क्या होता है आपका उदासीन होता है, जल क्या होता है उदासीन होता है ओके, शुद्ध जल का मान पीएच मान कितना सात होता है, यानी जल क्या होता है आपका उदासीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा ओके। जल का सूत्र क्या होता है आपको H2O। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव होती है, यानी कमरे के ताप पर कौन सी अधातु है जो कि द्रव होती है, तो याद रखिए आपका क्या होता है तो ब्रोमीन होता है, क्या होता है ब्रोमीन होता है। अगर आपसे यहाँ पे धातु पूछा जाए तो धातु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा पारा हो जाएगा ओके, अधातु पूछा जाए आपसे तो ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु पूछा जाए तो पारा हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा श्वसन अंग, यानी कि कौन सा ऐसा जंतु है जो कि आपको त्वचा से क्या लगता है सांस लेता है, तो याद रखिए क्या लगता है मेंढक क्या है एक त्वचा से सांस लेता है ओके, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मछली किससे सांस लेता है, ये आप लोग जरूर बताइए कॉमेंट करके ओके, यानी मछली का श्वसन अंग क्या है ये आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण विषाणु, यानी विषाणु कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण होता है ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन्फ्लुएंजा क्या होता है विषाणु के कारण होता है ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मूत्र में प्राय कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, यानी कि मूत्र में जो है आपका कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बी और सी होता है, क्या होता है बी और सी होता है, यानी विटामिन बी और सी क्या होता है मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होता है ओके। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग क्या होता है, यानी मस्तिष्क का जो सोचने वाला भाग होता है वो क्या होता है ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर मस्तिष्क जो होता है आपका ये सोचने वाला भाग होता है मनुष्य का। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, यानी कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है ये क्या होता है ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है आपको हीरा होता है, क्या होता है हीरा होता है कार्बन का शुद्ध रूप। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को एस्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, यानी कि एस्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, ये ऑप्शन जो दिया गया आपको चार ऑप्शन, ये चार ऑप्शन में से आपको एस्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी जीनोन को क्या कहते हैं जीनोन को एस्ट्रेंजर गैस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है, यानी ध्वनि की जो गति होती है किस में सबसे धीमी होती है ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिए वायु में क्या होती है
ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है वायु में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज किसमें होती है ध्वनि की गति, तो याद रखिएगा सबसे तेज जो होती है ध्वनि गति सबसे तेज किसमें होती है, ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा स्टील में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपको तेज होती है, स्टील में, यानी कि स्टील क्या आपका ठोस है, यानी कि स्टील क्या आपका ठोस है, यानी कि ठोस में क्या होता है सबसे अधिक होती है ध्वनि गति। ओके, उसके बाद क्या होता है आपको तरल में होती है, उसके बाद क्या होता है वायु में होती है, वायु में क्या होता है सबसे कम होती है ध्वनि गति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर सबसे तेज पूछा जाए कि ध्वनि गति सबसे तेज किसमें होती है, तो ठोस में होती है, यानी कि स्टील में होती है, स्टील क्या आपका ठोस है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपसे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक को एस्ट्रेंजर गैस कहते हैं, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका जीनोन हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि रेडियो सक्रिय स्रोत जो उसका आपका इकाई क्या है, ये पूछा गया आपसे, यानी कि ऐसा यूनिट क्या होता है ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा रेडियो सक्रिय स्रोत का जो इकाई होता है ये आपको बेक्यूरल होता है, क्या होता है बेक्यूरल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है, यानी पसीना जो निकलता है वो कौन सा अंग से निकलता है पसीना, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वचा से आपका निकलता है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि मानव शरीर में जो आपको यूरिया का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत में होता है, यानी कि लीवर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, याद रखिएगा आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो दमित्री मेटलिफ के द्वारा किया गया था आवर्त सारणी का आविष्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है वो किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा पौधे जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं ये आपको सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया है कि निम्नलिखित जो वैज्ञानिकों में से किसने उत्प्लावन के नियमों को खोज की थी, यानी कि उत्प्लावन के नियम को जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्किमिडीज के द्वारा ये आपको किया गया था उत्प्लावन का खोज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, ये पूछा गया आपसे। याद रखिएगा एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं, यानी कि तनाव बल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फॉरनहाइट के बराबर होता है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फॉरनहाइट के बराबर होता है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 32 डिग्री फॉरनहाइट के बराबर होते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत सर्वोत्तम सुचालक, यानी कौन सा ऐसा धातु है जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने उत्प्लावन नियमों की खोज की थी, याद रखिएगा ये आपको आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछा गया है कि परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था प्रोटॉन की खोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है उसमें बैठे सवार पीछे की ओर तरफ झुक जाते हैं, तो यह घटना का उदाहरण है, ये घटना कौन सा उदाहरण है, ये पूछा गया आपसे। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यूटन के प्रथम गति के नियम का ये उदाहरण आपका, यानी कि जब कोई कार है
या आपका ट्रेन है विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, तो यह घटना कौन सा हो जाएगा? आपको आपको न्यूटन के प्रथम नियम हो जाएगा गति का। ओके चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, यानी कौन सा ऐसा कारण है जिससे स्टोन कैंसर होता है, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि अम्ल वर्षा के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है, यानी कि मानव शरीर में जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन जो होता है कब किस अंग से स्टार्ट हो जाता है, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिए ये आपका मुख से स्टार्ट हो जाता है। हम जैसे भोजन मुंह में डालते हैं वहीं से क्या होता है हम लोग का पाचन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके यानी कि मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है, तो आपको मुख से शुरू हो जाता है यानी माउथ से शुरू हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से, यानी कि विडाल टेस्ट जो है ये विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, ये पूछा गया आपसे, याद रखिएगा आपको मोती झरा से संबंध है, यानी कि टाइफाइड कहते हैं उसे, हम लोग छठ भाषा में क्या कहते हैं मोती झरा कहते हैं, यानी कि टाइफाइड से आपका संबंध है। ओके विडाल टेस्ट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया आपसे कि कवच युक्त जंतु किस संघ से किस संघ के अंतर्गत आता है, यानी कि कवच युक्त जंतु जो आपको आता है ये किस संघ के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ये आपका मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जो कि विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, तो याद रखिएगा यह आपका ट्यूबरकुलोसिस तपेदिक है, यानी यह आपका टीबी है, जो कि आपका क्या होता है विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। मानव की क्या है ये आपका पोलियो चेचक एड्स, ये सब क्या होता है विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन ये जो आपका तपेदिक ये आपका विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। ओके यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है, यानी कि मनुष्य का जो है प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है, ये पूछा गया आपसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरिया। ओके यूरिया हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके